तो राम राम जी, कैसे हो सारे? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, बढ़िया होने चाहिए मेरे सारे भाई। सबसे पहले तो नीचे राम राम कमेंट कर दो, क्योंकि जब भी आप लोग कमेंट करते हो एकदम दिल से कनेक्टेड फील होता है, सारे भाई जैसे लगते हैं। एंड अगर चैनल पर नए आए हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बिकॉज आपका एक सब्सक्राइब मेरे को बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है। वेल गाइस, आज मैं इस पे हूँ और मैं किस पे हूँ मैं आपको बताऊँगा। अभी मैं भिवानी में हूँ हाल फिलहाल, और सब्जी मंडी के सामने खड़ा हूँ। तरुण भैया का फ़ोन आ गया था, इस करके जो है मेरे को थोड़ा सा वेट रुकना पड़ा था यहाँ पे। ये देख लो मेरी शक्ल, आप लोगों ने ऐसी देखी होगी। एक बार चलता हूँ सीधे एक्सप्रेसवे पे, और एक्सप्रेसवे पे जाके फिर आपसे बातचीत करेंगे और दिखाएंगे क्या कुछ सौदा है और गाड़ी बेचने के बाद क्या हालत होगी अपनी। यार लगभग ना एक घंटे ड्राइव करने के बाद बुलेट की पता नहीं क्या हालत होगी, स्टार्ट ही नहीं हो रही है। देखो मतलब चलती चलती एकदम से ये स्पीड ब्रेकर पर बंद हुई, और उसके बाद जो है ये अब चल नहीं रही है। न्यूट्रल पर कर रहा हूँ, अब स्टार्ट करूँगा, देखना। ये देखो कुछ ले ही नहीं रही है, क्लच व्लच कुछ भी नहीं ले रही, और आई डोंट नो क्या इशू आ गया। इसको अगर ऑन करिए करता हूँ तो भी नहीं हो रही। चलो अब तो स्टार्ट हो गई है। पेट्रोल भी है, पापा ने कहा था कि पेट्रोल भरवाया था। आई डोंट नो गर्म हो रही है क्या हो रही है, अगर आपको पता हो दिक्कत बताना। और मैं पहुँच चुका हूँ हाल फिलहाल खरक गाँव, और खरक मेरे पापा का मतलब मेरे पापा के मामा रहते थे खरक, तो वो है खरक गाँव। और आप लोगों में से कोई जानता हो यहाँ पे, अगर आपने मोटो मोटो गाना सुना होगा तो दिलेर खरकिया का घर भी आसपास इधर कहीं पे भी है। ठीक है, खैर चलते हैं। अभी टाइम हो चुका है 4:02, हमें डिस्टेंस कवर करना है लगभग 120 किलोमीटर के आसपास का। अगर मेरे यहाँ पे डैश कैम लगा होता है तो आपको सामने की फुटेज भी दिखा देता, बट चूंकि मैं अकेला हूँ इसलिए भी नहीं दिखा पाऊंगा। गाड़ी की हालत बड़ी गंदी हो रखी है, सारी चीज़ें दिखाएंगे। तो भाई ये फिर बंद हो गई है चलती चलती, ये देखो पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है इसमें, बार बार बंद हो जा रही है। और ये देखो, या तो तेल नहीं है या क्या नहीं है मुझे नहीं पता, चेक करते हैं एक बार। यार मेरे हिसाब से पापा ने कहा था कि तेल तो है इसमें, और इधर बंदर बंदर भी है यार, ये दिक्कत है। तो भाई कई दिन हो गए गाड़ी चलाए हुए, तो इसको रिजर्व में लेके आते हैं मुंह पर, है ना। रिजर्व में लाने से लेट सी कि क्या कुछ होता है। और फ्यूल तो शायद से इसमें होना चाहिए, यहाँ से इंजन भी गर्म है यार अच्छा खासा। अब मुझे नहीं पता कि बाइक कैसे देखी जाती है, कैसे ठीक करी जाती है, कई दिन हो गए आदत नहीं है। फ्यूल फिर भी मेरे हिसाब से डलवा ही लूँगा एक बार, रीज़न बीइंग कि बार बार चलती चलती बंद हो रही है, तो मे भी रिजर्व में आई हो, बट ना एकदम मिस मार रही है, मतलब चलते चलते कट, एकदम चलते चलते कट, क्या दिक्कत है मुझे नहीं पता। और शायद से इस बुलेट को पहली बार इतनी मतलब 100 की स्पीड पे चला ही रहा हूँ मैं, इतनी देर तक चलने की आदत नहीं होगी, तो शायद से ये भी हो सकता है कि भाई ये दिक्कत आ गई हो। चलो चलते हैं। दिक्कत पता चल गई, दिक्कत थी कि इसमें फ्यूल की कमी थी, और रिज़र्व पे लगा के जो है मैं इसको यहाँ तक ले तो आया हूँ। और अब एक बार पूछते हैं कि भैया कितने रुपये का डलेगा। देखो वैसे ऐसे हिलाने पर तो इसमें फ्यूल आ रहा है, बट लेट्स सी फुल फ्यूल कितने का होता है। तेल नहीं है, अरे भाई साहब उनके पास तेल ही नहीं है, कौन सा पंप है ये, अजीब सा तो भाई। हाँ अब मैं बताता हूँ आपको स्टोरी। देखो भाई मैंने ना अपनी गाड़ी जो अभी देखो पीछे दिखाएं, डिस्टेंस है अपने को फारूक नगर उतरना है 39 है, और हाथों में चस होने लग रही है क्योंकि वाइब्रेशन बहुत आती है यार बुलेट के इसमें स्टेयरिंग व्हील में, नहीं बुलेट के हैंडल में बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन आती है। खैर दिक्कत इसमें क्या थी, वो ना फटफट करके जो है पेट्रोल इसमें था नहीं, वो रिजर्व में थी, मतलब हार्डली 40 किलोमीटर भी नहीं चलाई हुई, खरक जाके ही जो है 20 किलोमीटर बाद इसका पेट्रोल ख़त्म हो गया था। तो पेट्रोल जो है वो तो मैंने डलवा दिया है। अब इस गाड़ी को मैं लेके क्यों आया हूँ, क्योंकि देखो जो अपनी ब्रेजा है वो कुछ दिन और है मेरे पास, हार्डली 3-4-5 दिन होगी, उसके बाद जो है मेरे को देनी है, वो नहीं आओ है ना। और फिर मैं उसको चला भी नहीं रहा इतना, क्योंकि यार देखो अब वो गाड़ी मेरी नहीं रही, उसका मैंने बयाना ले लिया है, वो गाड़ी अब जिस नए ओनर की उनकी है। तो मैं सोच रहा था उसको मैंने गुड़गांव में खड़ा कर रखा था, और इसके साथ जो है मैं अभी मतलब इसी में ही जो भी है काम वाम क्या कराऊंगा, PPF हो गया, 2-3 सारी चीज़ें होगी, वो सब हालत दिखाता हूँ। ये गाड़ी की हालत देखो, इसकी गाड़ी की इतनी आदत होगी ना बोलने की, बाइक की हालत देखो कैसी एकदम गंदी हो रखी है। और इसका ना तो इतना भी हो गई है, नए ट्रक जा रहे हैं, हाँ इसका ही जितना भी क्रोम का पार्ट है इसकी हालत देखो एकदम काले काले पड़ गए ये। और अभी पता है क्या हुआ, आते हुए जब मैं इसको चला रहा हूँ ना तो ये पटाखे मार रही है, पटाखे एज इन मिसिंग, जैसे भटभट भट करके आवाज़ आती है, 2-3 बार वो हुआ। फिर इसकी शायद से ना चेन भी ढीली हो गई है, तो चेन भी कट कट कर रही है 2-3 बार, तो दिक्कत काफ़ी सारी है इसमें। सबसे पहले तो ना इसके कॉस्मेटिक की सुधार करवाऊँगा मैं, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा देखो ये अजीब सी हो गई है, तो सोच रहा हूँ एक दिन करोल बाग भी ले जाऊँ इसको, और इसमें थोड़े बहुत जो काम कुम है वो भी निपटवा दें, तो चमक जाएगी एकदम, वो डाउट वो तो उसमें कोई डाउट नहीं है। बट हाँ अभी अपनी कुछ दिन की भाई जर्नी इसी गाड़ी से रहने वाली है, और जब तक नई गाड़ी नहीं आ जाती तब तक इसी गाड़ी को चलाएंगे। भाई गाड़ी है ये, मैंने ली थी 1,70,000 रुपये की, और 2017 में आई गैस, हाँ 17 में ली थी 1,70,000 की, आज ये 2.5-3 लाख रुपये से कम की नहीं है नई अगर लेने जाए तो, और सेकंड हैंड में भी वैल्यू इतनी इतनी मिली जाती है इसकी।
तो भाई कुछ टाइम तक तो जो हम इसी को ही चलाने वाले हैं, वैसे तो वो कंडीशन सही है। अब मेरे को पहुंचना है, डिस्टेंस रह गया 40 किलोमीटर के आसपास, माने सर नहीं जाएंगे हम, फरूक नगर वाला लेफ्ट ले लेंगे। इमेजिन ना डैश कैम मिस कर रहा हूँ, डैश कैम होता तो बढ़िया से एकदम यहाँ पे लगा के और आप लोगों को दिखा देते। तो चलो फटाफट अब चलते हैं अपने घर पे, और फिर अब और कुछ दिखाने का है नहीं इसमें, तेल वेल की वजह से यहाँ से पीला वीला पड़ गया है। तो भाई कुछ दिन इसकी वीडियोस देखनी हो तो बता देना, ज़्यादा तो नहीं है, PPF है, प्रोजेक्टर फॉग लैंप्स इसमें इंस्टॉल हो सकते हैं, और साइलेंसर सोच रहा हूँ एक लीगल आता है जिसमें आवाज़ थोड़ी ठीक आती है, ज़्यादा नहीं आती, हल्की पटपट छोटी छोटी आती है, वो लगवा लूँ सर्विसिंग के बाद जो भी है सारी, मतलब चाहिए वो वीडियो बताना, ठीक है। और पापा ने मेरे को ना न्यूज़पेपर दे दिए थे, मैंने इधर न्यूज़पेपर लगा रखे हैं छाती के अंदर, यहाँ पे दिखाऊँ मैं आप लोगों को। न्यूज़पेपर से क्या होता है, जब आप लोग हाईवे पे जाते हो तो डायरेक्ट ठंडी हवा आपके इधर भी टच करती है, डायरेक्ट ठंडी हवा नहीं लगती है, तो काफ़ी सही है ऐसे ना, यहाँ पे मतलब पूरा फील हो रहा है कि भाई कुछ गरम गरम जो है रखा हुआ है। तो ठीक है, इसकी भी सोच रहा है कि वीडियोस आ जाएंगी, ज़्यादा इसमें कुछ खास मॉडिफिकेशन कराई थी, लाइट लगवाई थी, ये लाइटें अभी भी जलती है कई बार, ये देखो ये देख रही है आप लोगों को, अभी भी जलती है वाली लाइटें और काफ़ी ब्राइट भी है ये, तो सही है, लाइट वाइट भी एकदम बढ़िया, और हॉर्न वॉर्न भी चलते हैं, तो चेंज वेंज कराएंगे कि सोचेंगे हम लोग। चलते हैं भैया अब सीधे डायरेक्ट, अब 40 किलोमीटर मेरे को भगानी है, उससे पहले जो है मैं कहीं पे भी नहीं रोकने वाला गाड़ी। भैया सूरज देखो क्या ज़बरदस्त लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और यार कल ना मैंने iPhone 14 Pro देखा था और उसका ना कैमरा काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो एक बार अभी गाड़ी ले लेते हैं, उसके बाद जो है फ़ोन भी फिर अपग्रेड करने की सोच रहा हूँ, फ़ोन में भी थोड़ा सा खर्चा लगेंगे, बिकॉज देखो आप लोग जो है आप लोगों के साथ मैं फ़ोन के थ्रू ही कनेक्ट होता हूँ, और वो चीज़ अच्छी नहीं हुई तो फिर कैसा होगा ना। पर दूर एकदम बढ़िया लग रहा है मौसम भी, तो चलते हैं भैया फटाफट। मैंने थोड़ी देर का रेस्ट ले लिया था, 5:10 हो रहे हैं हाल फिलहाल, 40 किलोमीटर है, कितने घंटे में पहुँचेंगे, कितनी देर में, मतलब लगा लो आधा एक घंटे में पहुँच जाने चाहिए। भाई आ गया हूँ मैं गुड़गांव और लगभग 2.5 घंटे में पहुँच गया, ये खड़ी अपनी एक्सेंट और वो खड़ी अपनी ब्रेजा, तो ब्रेजा देखो भाई अब किसी और की हो चुकी है इसलिए उसको मैं ज़्यादा नहीं चला रहा, आप लोगों को पता है कि भाई चलो दूसरे को गाड़ी दे रहे हो तो आप अच्छी कंडीशन में दो ना, और पता नहीं कब क्या कुछ लग जाए, तो हमने जो है गाड़ी को इधर ही खड़ा कर दिया था और हम इसको लेके नहीं गए थे, है ना, सही करा ना। तो चलिए भाई अब मिलेंगे आपसे एक ऐसे और ब्लॉग में, और कैसा लगा ब्लॉग कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा, और मोस्ट प्रोबेबली आज जो सफाई वाले हैं वो भी नहीं आएंगे।